Assalamu alaikum students, I hope you will be fine. Welcome to online classes. Today in grade 3 we will study the subject English. Today our unit is playtime. So open your book with me. Our unit is playtime. Okay student, this is our unit playtime. It means khel ka waqt. Ye ek poem hai जिसमें दो बच्चियां हैं जो अपने वालिद के साथ खेल रही हैं और उनका टारगेट है कि सेब के दरख्त से उन्होंने सेब को तोड़ना है और सेब के दरख्त से जो सेब है वो उसको एज अ कंसिडर कर रही हैं कि ये हमारे पास गोल्ड बॉल्स हैं, ठीक है, या गोल्ड बीड्स हैं। तो और जो इसमें फादर का जो करेक्टर है वो उनके साथ एज अ मॉन्स्टर और एज अ बीस्ट का है, एक वैशी दरिंदे का है जो उन्हें सेब तोड़ने नहीं दे रहा है या उनको गोल्ड के जो बीड्स हैं उसे हासिल करने नहीं दे रहा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देन आई विल एक्सप्लेन यू लाइन टू लाइन एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू थॉरली। बाय द गार्डन शेड माई सिस्टर एंड आई were playing a game and I was a spy. I had a mission while she guarded base. I had to get gold from a secret place. The gold was two apples on a big tree. But in our game they were real gold to me. Again, Bates was asleep in the way. If I woke him up, I would be sure to pay. The Bates was ferocious, quite mad and bad. But really, the Bates was me, my snoozing dad. I crept past the bushes, twist like wire, and round the low wall, glowing warm like fire. I did not notice the beads, beady eye. Opening slowly, my dad could be sly. I reached out my hand and captured the gold. I was almost back when a hand took hold. It grabbed my shirt and made me yell. My sister looked up and she screamed as well. Ah, the monster! The beads has got you now. I had to escape. I did not know how. My sister flew in and started a fight. We both fought the beast with all our might. Soon he was weak and he fell to his knees. Our dad could act well as he liked to please. We escaped to our safe place by the shed. The beast was defeated and hung his head. He returned to settle in his dark lair, actually just the old garden chair. We spies had won the mission completed. We munched on our apple. Oh, what a treat! Playtime, खेल का वक्त. Base, इब्तदा. बिड़ी, मोतियों जैसी. Capture, पकड़ लेना. Defeat, शिकस्त देना. Ferocious, वैशी, जंगली जानवरों की तरह. अब
लेयर लेयर को कहते हैं जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं ना, उनके जो पिंजरे होते हैं। मिशन मुहिम, मंच्ड, जो खाना खाते हुए आवाज़ निकलती है उसे मंच्ड कहते हैं। स्नोजिंग, सोते हुए। बाय द गार्डन शेड माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अ गेम, आई वॉज अ स्पाई। बाग के एक शेड में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे और मैं एक जासूस थी। आई हैड अ मिशन, मेरा एक मुहिम थी। वाइल शी हैड ग्रेडेड बेस, मेरी एक मुहिम थी जबकि उसका एक छुपने का ठिकाना था। आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस, मुझे एक जगह से गोल्ड लेकर, एक खुफिया जगह से गोल्ड लाना था। द गोल्ड वॉज टू एप्पल ऑन द बिग ट्री, और वो सोना एक सेब के दरख्त के ऊपर, दो सेब थे। बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी, लेकिन हमारे ये खेल के अंदर मेरे लिए वो हकीकत में सोना था। A jarred beast was asleep in the way, और रास्ते में एक वैशी दरिंदा सो रहा था। If I woke him up, और अगर मैं उसे उठा देती तो मुझे उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ती। The beast was ferocious, quite mad and bad, और वो वैशी दरिंदा वैशी पागल और बुरा था। बट रियली द बीस्ट वॉज माई स्नोजिंग डैड, लेकिन हकीकत में वो दरिंदा मेरे सोए हुए वाले थे। आई क्रेप पास द बुशेस ट्विस्ट लाइक वायर, मैं चुपके चुपके से, आई क्रेप पास का मतलब है बिल्कुल बगैर आवाज के चुपके चुपके से झाड़ियों में से ऐसे गुजरी जैसे बहुत जो ट्विस्ट हुई हुई तारे होती हैं ना, मुड़ी हुई जो तारे होती हैं। एंड राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक अ फायर, और मैं नीचे वाली दीवार के पास से ऐसे गुजरी जैसे वो आग से दहक रही हों। आई डिड नॉट नोटिस द बीस्ट बीडी आई, और मैंने बिल्कुल भी दरिंदे की मोतियों जैसी आँखों को महसूस नहीं किया या मैं नहीं देख सकी। ओपनिंग स्लोली माई डैड कुड बी स्ले, और जो खुल रही थी आहिस्तगी के साथ, और मेरे वालिद बड़ी चालाकी से उन्हें खोल रहे थे। आई रीच्ड आउट माई हैंड एंड कैप्चर्ड द गोल्ड, मैंने अपना हाथ ऊपर किया और मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचा और मैंने सोना पकड़ लिया या सोना मेरी गिरफ्त में आ गया। I almost back when a hand took hold, मैं तकरीबन वापस आने वाली थी जब मेरे मैंने अपने ऊपर एक हाथ को महसूस किया। It gripped my shirt and made me yell, उसने मेरी कमीज को पकड़ा और मैं चीखने लगी और मुझे चीखने पे मजबूर किया। माई सिस्टर लुक्ड अप एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल, मेरी सिस्टर ने भी मुझे देखा और वो भी चीखने लगी। ओह द मॉन्स्टर, द बीस्ट हैज गॉट यू नाउ, ओह तुम्हें बदसूरत दरिंदे ने पकड़ लिया है। आई हैड टू एस्केप, आई डिड नॉट नो हाउ, मुझे यहाँ से भागना है, मुझे नहीं पता कैसे। माई सिस्टर फ्लू इन एंड स्टार्टेड अ फाइट, मेरी बहन भाग के आई, फ्लू कहते हैं तेज़ी से भाग के आना, और उसने लड़ना शुरू किया। वी बोथ फाउट एंड बीस्ट विथ ऑल आवर माइट, और हमने पूरी ताकत के साथ दरिंदे से लड़ना शुरू कर दिया। Soon he was weak and he fell into his knees. जल्द ही वो बहुत कमज़ोर पड़ गया और
उसने घुटने टेक दिए या उसने हार मान ली। आवर डैड कुड एक्ट वेल एंड ही लाइक टू प्लीज। हमारे वालिद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें ये पसंद आया। We escaped to our safe place by the shed. हम वहाँ से भाग गए और हम अपनी महफूज जगह पे जो शेड छप्पर था उसके नीचे चले गए। The beast was defeated and hung its his head. दरिंदा नाकाम हो चुका था और उसने अपना सर लटकाया दिया। He returned to settle in his dark lair. और वो दोबारा अपने अंधेरे पिंजरे में या अंधेरे रहने वाली जगह पे जाके बैठ गया। एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, जो के हकीकत में क्या थी, बाग की एक पुरानी कुर्सी थी। वी स्पाइस हैड वन, हम जासूस जीत गए। द मिशन कंप्लीट, हमारा मिशन, हमारे मुहिम मुकम्मल हो गई। वी मंच्ड ऑन आवर एप्पल, ओह व्हाट अ ट्रीट, और हम आवाज़ें निकाल कर और मज़े ले लेकर अपने सेब खाने लगे। स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर तीन करेक्टर हैं, दो सिस्टर्स हैं और एक उनके वालिद हैं, जो आपस में मिलकर खेल रही हैं और उनका टारगेट है, उन्होंने सेब के दरख्त से जो उन्होंने सोना इसमें बनाया हुआ है उन्हें लेकर आना है। और एक बहन उसमें जासूस का किरदार अदा कर रही है और दूसरी बहन जो है वो इसमें एक महफूज जगह पर छुपी हुई है ताकि जब बहन को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उसकी मदद के लिए जा सकूं। और इसमें जो वालिद हैं वो एक वहशी दरिंदे का किरदार अदा कर रहे हैं कि जब वो सोने पे पहुंचेंगे तो उनका उनके वालिद ने उन पर अटैक करना है और उन्हें सोना नहीं लेके जाने देना। और जब वो उस देखती है कि वो जासू वो दरिंदा सो रहा है, वो बड़ी खामोशी के साथ चुपके चुपके वहाँ से गुजरती है, बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही है जैसे वो जो दीवार है वो आग से दहक रही है और जो वहाँ पे झाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल इस तरह से जैसे तारे, मुड़ी हुई तारे होती हैं, तो वो ऐसे परफॉर्म करती हुई जब वहाँ पे जाती है। और वो जब पहुँच जाती है अपना टारगेट पे, जब वो सेब तक उसके दरख्त सेब के दरख्त पर और सेब तोड़ लेती है, तो उसी वक्त उसके वालिद वहाँ उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम वो चीखती है और अपनी बहन को मदद के लिए पुकारती है और उसकी बहन वहाँ पर फ़ौरन पहुँचती है और वो दोनों जो है वो मिल के मुकाबला करती हैं अपने वालिद उस दरिंदे का और उससे जो है वो अपने आप को छुड़ा लेती हैं और दरिंदा दोबारा वापस अपने घर में जाके बैठ जाता है। एक्चुअल में वो अपने वालिद के साथ खेल रही हैं और इस चीज़ को इंजॉय कर रही हैं और उनके वालिद ने एक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वो बड़ा खुश हुए इस चीज़ के लिए। और बच्चियाँ जो हैं जिन लोग उन्होंने जो सेब के तोड़े थे वो खा रही हैं और उसे इंजॉय कर रही हैं और खुश हो रही हैं। तो ये स्टोरी जो है वो हमारी ये प्ले टाइम की पोएम हमारी ख़त्म हुई। तो आपने इसकी जो है वो 3 से 4 दफ़ा रीडिंग करनी है और इसके जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं इसके वर्ड मीनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यू हैव टू रीड आउट दिस राइम और यू हैव टू रीड आउट दिस पोएम 3 to 4 टाइम। यू विल बी एबल टू लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड of this poem and understand easily. Take care student, Allah Hafiz. In next lecture we will complete its remaining exercise and its difficult word. Allah Hafiz, take care.